अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेब की रबड़ी बनाएंगे, एप्पल रबड़ी। उसके लिए देखिए, हमारे पास ये तीन सेब है छोटे साइज के। तो अब हम ये तीनों सेब के छिलके उतार के इसको हम ग्रेट कर लेंगे। और ये दूध हमारा गाढ़ा होने लगा। अब हम एक साइड चीनी में, चाशनी में हम थोड़ा सेब ग्रेट करके डालेंगे। ये देखिए, हमारे सेब ग्रेट कर लिए हम। अब हम इसको झट से पकाएंगे, थोड़ी देर गला लेंगे इसको, शक्कर में गलाएंगे इसको। जल्दी से इसको गलाना शुरू करेंगे, क्योंकि सेब का कलर काला पड़ते रहता ना, इसलिए हम जल्दी से जल्दी इसको शक्कर डाल के गला लेंगे। तो अब हम इसमें शक्कर डालेंगे, शक्कर टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। हम एक कप शक्कर डाल रहे हैं, डालेंगे अब एक कप भर के हम शक्कर डालेंगे। अगर कम है तो फिर डाल सकते, या नहीं तो फिर कम शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते। सेब शक्कर में तकरीबन गल गया। और देखिए, ये अब हम इसको थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया ना, ये अब हम इसको थोड़ा सा और पका के दूध में डाल लेंगे। हमारा दूध गर्म हो रहा, ये देखिए, ये साइड में देखिए, ये मलाई भी साइड में आ गई। ये मलाई भी हम निकालते जाएंगे साइडों से, ये देखिए। और अगर आपको जल्दी से जल्दी रबड़ा, देखिए मलाईदार अच्छे से गाढ़ा हो गया। अगर ये दूध जल्दी से जल्दी रबड़ी तैयार करना है आपको, तो इसके अंदर थोड़ा सा ब्रेड भी डाल सकते हैं। ब्रेड के दो स्लाइस ब्राउन कलर हटा के, वो वाइट वाला ब्रेड इसमें पीसेस करके डालिए, जल्दी से जल्दी रबड़ी तैयार हो जाएंगी आपकी। और ये देखिए, हमारा अब तकरीबन एप्पल की रबड़ी तैयार होने पे है। ये बहुत आसानी से बनने वाली रबड़ी है, झट से तैयार होने वाली और कम खर्च में बनने वाली मीठी डिश है ये, स्वीट डिश। तो ऐसा बनाइए, आप भी बना के देखिए। अब ये हमारा एप्पल गल गया। सेब में देखिए थोड़ी सी खटास होती, तो उसके उससे क्या है, रबड़ी फटने का डर रहता। तो उसके लिए हम रबड़ी नहीं फटना, उसके लिए ये हमारा खाने का बिल्कुल थोड़ा सा सोडा है, ये थोड़ा सा चुटकी भर डालेंगे हम। फिर उसके बाद ये सेब मिलाएंगे। ये सेब हो गया हमारा तैयार, गल गया, सॉफ्ट हो गया। ये देखिए, अब हम इसमें मिक्स कर लेंगे। इससे क्या है, रबड़ी हमारी फटेंगी नहीं है। अगर हम ये थोड़ा सा सोडा डाल देंगे अगर, तो रबड़ी नहीं फटती हमारी। तो ये देखिए, ये हो गया तैयार हमारा। अब हम इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे। अगर आपको पसंद है तो डालिए इलायची पाउडर, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते। और इसके अंदर ज़ाफ़रान भी डाल सकते, हम ज़ाफ़रान नहीं डाल रहे, थोड़ा सा खाली इलायची पाउडर डाल रहे। अगर आपको है पसंद डालना है तो ज़ाफ़रान भी डाल सकते। ये देखिए, हो गई हमारी रबड़ी तैयार। अब हम इसको निकालेंगे और पिस्ते से गार्निश करेंगे। 2 मिनट पकाएंगे इसको। और आसानी से बनने वाली डिश है ये, झट से बन जाती है। ये देखिए, ये हमारी रबड़ी तैयार है। हम इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दिए थे। अब हम इसको सर्विंग बोल में डालेंगे। अगर फ्रिज में रख के खाए बिल्कुल ठंडा करके, तो ये और भी टेस्टी दिखती। अब हम इसमें, तो उसे हम इसको गार्निश कर दिए। बादाम भी डाल सकते आप,
बादाम भी डाल, ये हम थोड़े से टूटी फ्रूटी भी डालेंगे अच्छा कलर दिखने के लिए। ये देखिए हमारी मलाईदार एप्पल रबड़ी तैयार है। और रेसिपीज पसंद आए तो मेरे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और ये देखिए हमारी रबड़ी, ऐसी रबड़ी आप भी बनाइए, इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएंगी। अल्लाह हाफिज़।